हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। शाहीनबाग में 65 दिन से चल रहे गतिरोध से जुड़ा याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन की वजह कितनी भी वाजिब क्यों न हो, सड़क को ऐसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि विरोध प्रदर्शन कहाँ किया जाए। आज प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, कल कहीं और होगा। अगर ऐसे ही जारी रहा तो शहर के विभिन्न इलाके ब्लॉक हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कोर्ट उनके आगे झुक रहा है। अगर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो अथॉरिटी कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण कार्यों पर 31,600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत एसडीबीसी तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि टेंडर में पारदर्शिता के लिए अप्रैल से ई टेंडरिंग का नया मॉडल लागू किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी ने राजधानी पटना सचिवालय सभागार बजट से पहले बैठक की। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस साल सड़कों के निर्माण में 7,023 करोड़, भवन के लिए 4,423 करोड़, जल संसाधन के लिए 2,662 करोड़ और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 4,583 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में तेजी से विकास कर रहे बिहार में इस साल के 9 महीने में ही 22,146 करोड़ रुपए के कच्चे माल बाहर से मंगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और चुनावी तैयारियों को अमली जमा पहनाने का काम खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालने वाले हैं। पार्टी सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 फरवरी को बिहार आएंगे। वहां वो पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक और चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष वहां 11 जिलों में बने पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार भाजपा सभी जिलों में जिला कार्यालय भवन बनवा रही है। 11 जिलों में पार्टी का भवन बनकर लगभग तैयार हो गया है। बिहार की राजनीति के लिए मंगलवार यानी कि आज 18 फरवरी का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जेडीयू से बाहर गए प्रशांत किशोर आज अपने अगले कदम को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पीके यानी कि प्रशांत किशोर पहले ये ऐलान 11 फरवरी को ही करने वाले थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा के नतीजे के कारण इसे टाल दिया गया था। पीके के नाम से मशहूर राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार क्या बोलेंगे या फिर कौन सा ऐसा ऐलान करेंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इन्होंने साफ किया है कि वो ना तो किसी पार्टी के साथ जाएंगे और ना ही किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 1 अप्रैल से बिहार में BS6 मानक की गाड़ियां नहीं बिकेगी। बिहार में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद BS6 मानक की गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि अब BS6 मानक की गाड़ी ना तो बिक्री होगी और न ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है ताकि पुरानी गाड़ियों को बैक डेट से शोरूम बेच नहीं पाएंगे। पिछली बार जब BS मानकों की गाड़ी पर प्रतिबंध लगा था तो कई शोरूम द्वारा बैक डेट से बिक्री की खबरें सामने आई थी। BS6 की गाड़ियों से प्रदूषण को कम करने के लिए मदद मिलेगी। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के ही विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हैं। जदयू के MLC जावेद इकबाल अंसारी ने कहा है कि विपक्षी नेता बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले 10 से 15 वर्षों में बेरोजगारी के कारण बिहार से पलायन बढ़ा है। लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं लेकिन अपमानित होते हैं। जो भी युवाओं के भविष्य के लिए सड़कों पर उतरता है उसकी सराहना की जानी चाहिए। 14 फरवरी को पूर्णिया के 250 साल पूरा होने पर जिले में हर तरफ जश्न का माहौल था। देश भर से लोगों ने पूर्णिया वासियों को बधाई दी थी। इस दौरान मनाया गया महोत्सव देश भर की सुर्खियों में रहा, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पूर्णिया की स्थापना के 250 साल का जश्न दो बार मनाया गया था। इसका कारण है कि 2019 में भी 14 फरवरी को ही उस समय जिले के DM प्रदीप कुमार झा ने 250 साल का जश्न मनाया था और अब एक बार फिर से DM राहुल कुमार ने धूमधाम से जिले के 250 साल पूरा होने का जश्न मना लिया। अब इस बात पर सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे प्रशासन की भूल समझे या फिर कुछ और। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थापना वर्ष और कैलेंडर को गलत तरीके से पेश करने का अधिकार ना तो किसी अफसर को है और ना ही किसी इतिहासकार को। वही अधिकारी अब इस बात से बचते नजर आ रहे हैं। पर्यावरण में स्थिरता और आने वाले पीढ़ी के लिए बेहतर जीवन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटना में ग्रीन मैराथन का आयोजन किया गया। सुबह पटना के गांधी मैदान में यह ग्रीन मैराथन शुरू हुई।
जिससे 3000 से ज्यादा पटना वासियों ने शिरकत किया। ग्रीन मैराथन की यह दौड़ 5, 10 और 21 किलोमीटर की थी, जिसमें लोगों ने आने वाले समय में हरित भविष्य के लिए संकल्प के साथ साथ दौड़ लगाई। किशनगंज के बिशनपुर बाजार में पिछले करीब एक महीने से दिल्ली का शाहीन बाग सा बन गया है। यहां लोग संविधान बचाओ देश बचाओ बैनर तले CA के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गैर भाजपाई दलों और संगठनों का समर्थन मिल रहा है। यहां विरोध कर रहे लोगों ने कहा है कि बिहार में भी केरल और पश्चिम बंगाल की तरह CA के खिलाफ राज्य सरकार को प्रस्ताव पारित करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा यानी कि JVM प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने रांची में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं जब 2014 में पार्टी का अध्यक्ष बना तभी से प्रयास कर रहा था कि बाबूलाल जी भाजपा में आ जाए। वहीं उन्होंने कहा कि बाबूलाल के भाजपा में आने से पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को अनुभवी नेता मिलेगा और भाजपा की ताकत कई गुना बढ़ेगी। अमित शाह ने कहा कि मैं भाजपा और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूलाल मरांडी जी और उनके साथ आए झारखंड विकास मोर्चा के लाखों कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं और विश्वास भी दिलाता हूं कि आप अपने ही घर में आए हैं। कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार में कड़ी सुरक्षा में मैट्रिक परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सोमवार से शुरू हो गई है। पहली पाली की परीक्षा में कुल 21,412 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 650 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। छात्रों ने बताया कि पहली पाली की परीक्षा के प्रश्न सरल थे, जो अभ्यर्थी पढ़ाई किए थे उनको कोई परेशानी नहीं हुई। इस परीक्षा में हड़ताल पर जाने वाले अधिकतर शिक्षक लौट गए और परीक्षा में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय इस बात को पता कर रहा है कि कोई शिक्षक ऐसा है या नहीं कि दी गई जिम्मेवारी पर नहीं पहुंचे और हड़ताल पर रहे। भारत में NRC लागू होने का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि एक साथ हजारों लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। केंद्र सरकार संसद से लेकर सड़क तक कई बार ये कह चुके हैं कि देश में NRC लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है और NRC लागू नहीं होगा। बिहार की राजधानी पटना में भारी तादाद में लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम कार्यालय जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल है जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है। बताया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। समान काम समान वेतन के अलावा अन्य मांगों को लेकर नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार को राज्य संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने प्रखंड संसाधन केंद्र के समक्ष धरना दिया। सहरसा प्रखंड क्षेत्र के गरोल उच्च विद्यालय में महज 2 कमरे हैं, जिसमें एक कमरे में कक्षा संचालित और दूसरे कमरे का उपयोग कार्यालय, पुस्तकालय और प्रयोगशाला के लिए किया जाता है, जबकि यहां नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या करीब 250 की है। महज एक कमरा होने से पठन पाठन में भीषण समस्या का सामना करना पड़ता है। बिहार चुनाव को लेकर होगी 2 दिग्गजों की मुलाकात। जी हां, चुनाव को लेकर जदयू और BJP दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात इसी महीने होगी। बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और CM नीतीश कुमार की मुलाकात 22 फरवरी को होगी। इस मौके पर आगामी चुनाव को लेकर दोनों के बीच बातचीत होगी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव को लेकर इन दोनों की मुलाकात अहम मानी जा रही है। बिहार में होली और छठ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में बिहार से बाहर रहने वालों की इच्छा अपने घर आने की होती है, लेकिन रेलगाड़ियों में भीड़ से उनके चेहरे पर निराशा देखने को मिल रही है। लंबी दूरी के शहरों से बिहार आने वाले ट्रेनें हाउसफुल है। हालांकि काफी संख्या में लोगों ने 4 माह पहले ही टिकट बुक करा लिया था, लेकिन अब भी ऐसे हजारों की संख्या में लोग हैं जो होली में घर आने के लिए परेशान हैं। हर साल दूसरे शहरों से बिहार आने वाले यात्रियों की काफी भीड़ होती है। पटना के खलीलपुरा में CAA, NRC और NPR के खिलाफ चल रहे विशाल अनिश्चितकालीन धरना को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान दें। जब देश में बेरोजगारी होगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे ही, और उसे गलत रूप से ना देखें तो बेहतर रहेगा। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने ग्रेजुएट नौजवानों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका लेकर आई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार के जिला औद्योगिक केंद्र में प्रोजेक्ट मैनेजर पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। योग्य उम्मीदवार 2 मार्च 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 21 मार्च को पूर्णिया आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। छात्र लोजपा के जिला अध्यक्ष सुमित झा के मुताबिक पटना में होने वाली लोजपा की रैली की तैयारी को लेकर पासवान कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बिहार में आयोजित बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 कार्यक्रम में रविवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
आनंद किशोर को ये सम्मान बोर्ड के नई प्रशिक्षण प्रणाली लागू करने, परीक्षा के आयोजन और रिजल्ट जारी करने की व्यवस्था को आदर्श बनाने के लिए दिया गया। जनगणमन यात्रा पर बिहार शरीफ पहुंचे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि कमाने वाले गरीब और लूटने वाले अमीर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर देश में इससे पहले भी सरकारें रही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज देश के जो हालात हैं ऐसा कभी नहीं रहा है। दोस्तों ये न्यूज़ बस यहाँ तक, कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।